नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2.2 एंड बी 2.8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट ये ए है और इस ये दूसरा पॉइंट बी है और क्या कर रहा है, इस ए और बी पॉइंट को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, वैल्यू है -2.2 और इसका वैल्यू है 2.8। मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट ये पी है और दूसरा पॉइंट ये क्यू है और तीसरा पॉइंट ये आर है। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट। ठीक है, तो अब ये जो चार पार्ट हो गए तो हमें P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट, ये तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, ये मान क्या दिया हुआ है कि ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, मतलब ये चार इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहां से यहां तक अगर हम एपी रेशियो पीबी की बात करें, एपी रेशियो पीबी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है 1:3, क्योंकि यहां से यहां तक 1 और ये देखिए 1:2 और ये 3, तो ये हो गया एपी रेशियो पीबी इक्वल टू 1:3। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अब इस वाले पे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पी पॉइंट को पाने के लिए, तो पी इक्वल टू हमारे पास क्या, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2 और ये कॉमा हो जाता है m1y2 + m2y1 / m1 + m2। अब इसको लिखा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं m1 का वैल्यू हमारे पास है 1, तो लिख लिया 1 और x2 का वैल्यू हमारे पास है ये 2, तो ये लिख लिया हमने 2। फिर प्लस m2 का वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 का वैल्यू हमारे पास है -2, ये -2 लिख लिया। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 कॉमा, इसी तरह से अब यहाँ पे ये हो गया 1 × y2 का वैल्यू 8 प्लस m2 का वैल्यू हमारा 3 और y1 का वैल्यू है 2 अपॉन 1 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 × 2 तो 6, तो ये -6/4 कॉमा, इधर हो जाएगा 8 और +6/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो -4/4 और ये कॉमा हो जा रहा है 8 और 6, तो ये हो जाता है 14/4, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1 और अपॉन में ये 2 2 या 2 7 या 4, तो ये हो गया 7/2। तो ये P का जो कोऑर्डिनेट से निकल के आया, ये P का कोऑर्डिनेट से निकल के आया -1, 7/2। इसी तरह से अब निकालते हैं ये, अब इस जगह से ले लेते हैं AQ रेशियो BQ इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां से यहां तक ये 2:2, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2/2 = 1:1। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर हम क्यों निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या हो जाएगा क्यू के लिए क्या निकल के आएगा, ये तो -2 + 2/2, ये इधर हो जाएगा फिर 2 + 8/2। ये बिल्कुल आसानी से, ये इसमें भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते थे लेकिन कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे।
ये हो जाता है माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो अपॉन में टू और ये कॉमा हो जा रहा है ए टू टेन अपॉन में टू, तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा फाइव। तो ये Q का जो पॉइंट निकल गया, Q का कोऑर्डिनेट निकल के आया जीरो कॉमा फाइव। अब तीसरा पार्ट इसका निकालते हैं ये R के लिए। तो सबसे पहले AR रेशियो BR, AR रेशियो BR की अगर हम बात करते हैं तो इधर से अब ये थ्री हो जा रहा है और ये हो जा रहा है वन, तो ये हो गया थ्री रेशियो वन। अब यहां पे फिर से वही यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अगर अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो R पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कोमा, इधर हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले पे सेट कर देना है हमें वैल्यू को। तो एम वन इस बार हमारे पास है थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री और एक्स टू हमारे पास है टू, ये पुट कर दिया, प्लस एम टू, एम टू हमारे पास वन और इस बार एक्स वन हमारे पास है माइनस टू, ये लिख लिया माइनस टू अपॉन में थ्री प्लस वन और ये कॉमा इधर। अब एम वन हमारे पास है एम वन थ्री और वाई टू, वाई टू का वैल्यू हमारे पास कितना है, वाई टू का वैल्यू हमारे पास एट है, लिखा एट और प्लस में एम टू का वैल्यू वन और वाई वन का वैल्यू है टू अपॉन में ये थ्री प्लस वन और इसको ले लेना है ऐसे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाता है थ्री टू जा सिक्स और ये माइनस टू अपॉन फोर और ये हो जाता है एट थ्री जा ट्वेंटी फोर और ये प्लस टू अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन फोर और कॉमा ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन फोर। ठीक है, तो ये काटा फोर वन जा फोर तो ये वन और ये हो जाएगा टू से काटेंगे टू ये हो गया थर्टीन, तो ये हो जा रहा है वन कॉमा थर्टीन अपॉन टू। ये आर पॉइंट के लिए ये वैल्यू हमारा निकल कर आ रहा है। तो हमने ये तीनों ही के कोऑर्डिनेट निकाल लिए पी क्यू और ये आर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।